वो गज़ा के मज़लूमों में से किसी औरत ने आपको पैगाम भेजा है कि हमें यहाँ से निकाल के पाकिस्तान ले जाओ अहमा को जब पता था कि वो इतना वैशी है तो क्यों उसके खिलाफ फिर उठे अब वक्त है मुल्क बचाने का वामा को चाहिए इस वक्त फतवा दे आज भी ये फतवा फैसला कौन हो सकता है देने वाला हो कोई पस्ती से निकाल कर हजूर ने लोगों को निजात दी एक उम्मत बनाई ये नेचुरल साइंस हमें साइंटस्ट बना के नहीं देती ये लेबर बना के दे रहे हैं नहमदूलसल्ला रसूल करीम बसमीम मौजूद खुवातिन तारीख़ के साथ एक मकालमा के अगले एपिसोड में हाज़र खदमत हूँ ख़्वातिन हजरात इकबाल ने जब शिक्वा लिखा तो अल्लाह के हजूर बहुत फरियाद की करहमतें हैं तेरी अग्यार के काशाने पर बर्कृति है तो बेचारे मुसलमानों पर बेशुार शिकव शिकायत की कि जिसके बाद एक इल्हामी जवाब जो है वह जवाब शिकवा के अंदर आया और मुसलमानों की ज़िलत रसवाई और, और अल्लाह तबारक वाली की तरफ़ से बेरुखी के जो अवामल बताए गए हैं उनमें से एक इकबाल ने इस बंद में बताया है मुनफीत एक है इस कौम के नुकसान भी एक हरम पाक भी अल्लाह भी क़ुरान भी एक एक ही सबका नबी तीन भी ईमान भी एक क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक फिर बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं क्या जमाने में पनपने की यही बातें आज मैं एक ऐसी शख्सियत के पास हाज़र हुआ हूँ कि जो गुजश्त कम अज़ कम मेरी ज़िंदगी के अंदर रवादारी और खैरम औसत इतदाल की एक तस्वीर है, शिया मसलक से ताल्लुक़ है लेकिन ला तादाद ऐसे लोग हैं को जो इस मसलक से ताल्लुक़ नहीं रखते मगर वो उनसे मोहब्बत करते हैं हमारे दराना मौजूद हैं जनाब लामा जवाद नकवी साहब असल वाले वाला नकवी साहब हमारी तारीख़ को इतनी रंगीन नहीं है फ़िरका प्रस्ती की 1568 से लेके 1648 सोलह तक 80 साल प्रोटेस्टेंट रोमन कैथलिक के दरमियान लड़ाइया रही हैं जिसमें खौफनाक लड़ाई जो है वो 1618 से सोलह तक तीस साल रही जिसमें एक करोड़ 70 लाख लोग मारे गए हमारे यहाँ कोई ऐसा मसला नहीं था आप जिस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने इस मुल्क को एक करवादारी की सूरत हाल में देखा है बर्दाश्त मोहब्बत शानकत हमारे आबाजदात तो हमसे और बेहतर कहानियाँ सुनाया करते थे ये अचानक बदला कैसे सब कुछ बसमल रही बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हम तो आप मेज़बान बन गए <laughs> मौका दिया है कि आपके नाजरीन सामीन जिन्हें आप आगाही दे रहे हैं और मुख्तलिफ पहलू उनके सामने बयान करते हैं और आप ख़ुद अलहमदल नस्ल हाज़िर को उन असली मसाइल की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं अल्लाह ताला आपको अजर अजीम दे और कामयाबी दे इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर रोशनी लोगों तक पहुँचाया ये बहुत ही दर्दनाक मौजू है कि आज की मौजूदा सूरत हाल में अगर हम देखें हम मुस्लिम को तो कर्बनाक हालत में पहुँच चुके हैं और खूस हम जो पाकिस्तान में मबलिकत पाकिस्तान में हैं इनकी हालत बाक़ियों से ज़्यादा ख़राब है इकबाल का ही एक शेर है जिसमें वो फरमाते हैं कि अजबानी इसके एजाज़ मसीहा अजबान इसके बीमार तो बीमार दस तू मसीहा है लेकिन तेरा बीमार दूसरे बीमारों से ज़्यादा ख़तरनाक हालत में है और ये बात हमें मान लेनी चाहिए कि जहाँ पर अल्लाह तबारक वाली ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाज़ा है और ख़ूबियाँ हैं उसके साथ साथ ये चीज़ें भी हकायक हैं और उनको मानना चाहिए कि ये हो चुका है हमारे साथ कि एक मरीज़ बदहाल की शक्ल हम इख्तियार कर चुके हैं जिसको ऐसी बीमारियाँ लाक हो गई हैं जो अंदर से उसका वजूद आहिस्ता आहस्ता पिघल रहा है ख़त्म हो रहा है बेशक जुस्सा बड़ा है पच्चीस करोड़ हैं, लेकिन इस पच्चीस करोड़ के अंदर अगर तोानाई देखें तो वो ना होने के बराबर है ये उठने के भी काबिल नहीं है ये तनोमन जिसम चूँकि उसकी तोानाई जिस वजह से थी वह उससे ले ली गई है और वो थी वाहदत एक होना एक जमात होना एक उम्मत होना एक मिलत होना और यद वाहिदा होना जिस तरह हमें बनाया गया था और जिस तरह हमें बताया गया था अगर उसी नहज पर रहते तो आज फैसला कौन किरदार अदा कर रहे, कर रहे होते, होते दुनिया में बजाय इसके कि एक अपाहज और मफलूज कौम और मिलत के बजाय हम बहुत कुछ बेहतर कारकरी दिखा सकते होते तो इसके अपने अवामिल हैं कुछ अंदरूनी हैं जो आज हम खड़े हुए हैं और कुछ बैरूनी हैं बाहर के अवामिल हैं ज़ाहिर जब तक अंदर कमज़ोरियाँ ना हों तो बाहर का कोई शख्स कोई दुश्मन हो या कोई भी मफाद पर तो वो फ़ायदा नहीं उठा सकता जब तक आपके अंदर को गुंजाइश ना हो किसी ख़ानदान के अंदर अगर कमज़ोरियाँ ना हो तो पड़ोस वाले उस ख़ानदान को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते तो बेशक जो बैरूनील हैं जिन्होंने हमें इस हालत में पहुँचाया है उनका सबब भी हमारी अंदरूनी कमज़ोरियाँ हैं जिनकी तरफ हमें शौरी तौर पर तवज्जो करनी चाहिए और फिर उन्हें हम दूर करें इलाज करें उनका अंदरूनी जब हमारी बीमारी ख़त्म होगी या कम होगी तो बैरूनी का असर खुद ही ख़त्म हो जाएगा जैसे कि मसला जरासीम अगर हमारे वायरस हमलावर होते हैं तो हमारे जिसम के अंदर कमजोरी बायस बनती है कि वह ये पिछली जो वबाँ आई थी कोरोना उसमें ये तबीबों ने माहरीन ने सब ने बताया था कि जो तोना है मुदाफ़त जिनकी ज़्यादा है सिस्टम हाँ वो महफूज रहेंगे और ऐसा ही हुआ उन पर भी हमला हुआ वायरस का लेकिन आगे तो थी तो उन्होंने रोक लिया लेकिन जो पहले ही किसी वजह से मरीज़ थे तो उन्हें ले बैठा वो और बाद हलाकत भी होगी मौत भी होगी तो यही समाजी सतह पर भी ऐसा ही है कि एक समाज जो अंदरूनी तौर पर कमज़ोर हो गया हो तो बैरूनी अगर हल्का सा वायरस भी उस पर हमलावर हो बैक्टीरिया तो वो उसको ढेर कर देता है गिरा देता है उसको। आ, सब बरसर पाक हिंद की एक तारीख है और इस तारीख के अंदर मुसलमानों के हीरोज जो हैं वो एक थे आप सोच नहीं सकते कि इकबाल के हीरो अहल्बैत भी थे और साहबा भी थे उसके बाद साथ साथ चलते सबसे बड़ा मरकज़ लखनऊ आपका एक साथ ज़िंदगी गुज़र रही है अंग्रेज़ की साजिश में इससे तोज्जो दिलाना चाहता हूँ उन्नीस सौ उनतालीस में जो कि अंग्रेज़ ने एक तबर्रा एजिटेशन जहाँ से शुरू हुआ है उसको भी मल ने हैंडल कर लिया था मुस्तकिल रहते रहते लेकिन उसके बाद जो कुछ अंग्रेज़ ने बीच बोया है वो काफ़ी हद तक हमने दबा लिया था लेकिन ये अचानक आलमी मामला ऐसे हुए हैं कि क्या वाकई ऐसा है कि इस्लाम की जो तोाना आवाज़ है कहीं से भी उठे वो पहले तशैय से हो या अहले सुन्नत से हो ये जो ये जो हमास है ये तशय में से नहीं है लेकिन तोाना आवाज़ है ना तो उसको दबाने के लिए ये सब कुछ चल रहा है उसमें भी मैं ये अर्ज़ करूँगा कि तारीख़ को ही देख लें हम बड़े सगीर में देख लें या मशरक़ वस्ती में देख लें या बिलूम इस्लामी दुनिया को देख लें तो जो मुसलमानों के अंदर इकतदार प्रस्त और इकतदार पसंद लोग रहे हैं जिन्हें हर क़ीमत पर अकतदार चाहिए था तो उन्होंने कोई दरेग नहीं की कोई हिचकिचाहट नहीं थी वो हर जुर्म के मरतकब हुए हैं अपने हाथों से जो हो सका वो किया है और फिर बैरूनी ताकतों को उन्होंने अपने इकतदार के लिए मौका दिया है हम फलस्तन का ही क़िया देख लें हम या। तो फ़लस्तीन काज़िया यह है कि ये बिलाखिर जैसी भी हुकूमत थी उस्मानी एक मुसलमान उसने कम अज़ कम इसका तकद्दस ज़ाहरी तो बाकी रखा हुआ था उसका अगर बाकी तकाज़े पूरे नहीं कर रहे थे लेकिन उस्मानियों से ये सरजमीन फ़लस्तान की निकल के बरतानिया के कब्ज़े में कैसे चली जाती है कौन है जिसने उस्मानी इकतदार की जड़ें खोखली की मजबूत की कमज़ोर की भी भी और अरब नेशनलिज्म का जब नारा लगा है। का। तो यही वो लोग थे इनके अंदर अंदर भूख तो थी इनके अंदर इकतदार की और बाहर से अंग्रेज़ों ने भड़का भी दी बरतानिया ने तो ये इन्हें यही वादे वही दिए गए थे कि अगर आप मरकज़ी हुकूमत ख़त्म हो जाए आपकी ओस्मानी हुकूमत तो ये इलाके आप में बांट दिए जाएंगे और ऐसा ही हुआ बांट, बांट दिए गए और फिर इन्होंने बरतानिया को दे दिया फ़लस्तीन और बरतानिया ने ये सहुनीियों को दे दिया और आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं इसी तरह हम बाकी इलाक़ों में भी देखें जहाँ जहाँ ये अलमिया रूनम हुआ है तो उसमें शुरू हमारी अपनी अंदरूनी कमज़ोरीओं से हुआ है और उस कमज़ोरीों की वजुहत हैं बहुत सारी तारीख में मेंल्मा ने तजिया करके बताया है और अल्लामा इकबाल ने रहमत लाला सबसे ज़्यादा खूबसूरत गहराई में जाकर इसकी जड़ें तलाश की है कि खराबी कहाँ से शुरू हुई यानी वही लोग जो अलामा के बकौल के जो अल्लाह तबारक वाली के ईमान की दौलत से और तोहीद की क़वत से जिन्होंने तस्खीर किया जहाँ अपने किरदार के ज़रिए से फिर इन्हीं के वारसिन ऐसी आफात में मुबतला हुए कि उनके अंदर इकतदार के जरासीम पैदा हुए सरवतमंदी के पैदा हुए सरमादारी के पैदा हुए जागीरदारी के पैदा हुए और उन्होंने वो इसफ़ की मीरास को छोड़ कर इन्होंने अपने इकतदार बाँटने और मजबूत करने के लिए फिर हर वसीले से फ़ायदा उठाया जिसमें से इन्होंने अगर हम देखें मसलन हिंदुस्तान की मिसाल आपने दी तो अंग्रेज़ जिस तरह दाखिल हुए हिंदुस्तान के अंदर उस दाखिल होने में उन्होंने मदद किससे ली मुसलमानों से ही ली बिल्कुल इन्होंने पहला तो पहला तो हमसे निकला था नी जी, जी तो, तो ये, के मुकाबले में यही ये, ये सबसे बड़ी चीज़ आज भी वही हो रहा है यानी आज भी हमास या फलतीन या अक्सा व बैतुलमकदस इन सब को अगर हम देखें तो ये अलमिया सारा इसी जड़ की वजह से हुआ है कि अगर ये जो बनामे मुसलमान कर रहे हैं अपने इकतदार मजबूत करने के लिए सहयोगियों के साथ अमेरिका के साथ शैतानी ताकतों के साथ जो जुड़ बैठे हैं और अपना इकतदार मजबूत करने की कीमत ये दे रहे हैं कि आप आप जो करना चाहें फ़लस्ती में कर लें और वो कर रहे हैं तो वही दास्तान दोहराई जा रही है जो हिंदुस्तान में मुसलमानों के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों ने की मुसलमानों की मदद से ये सब कुछ किया यानी हम तारीख पढ़ के देख लें कि किसी भी दुश्मन ने जब भी मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया है तो मुसलमानों की मदद से पहुंचाया है तन्हा नहीं पहुंचा सका वो मुसलमान सत्तावन इस्लामिक मुल्क है इस वक्त अमूमन कहा जाता है ताना दिया जाता है हमें मुसलमान हैं कुछ नहीं सत्तावन के सत्तावन में अक्सरियत पर जो हुक्मरान हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मगरब के सेकुलर और लिबरल डिक्टेटर होते थे बल्कि वो जमहूरीत होते हैं इस सेकुलर लिबरल डिक्टेटर हैं और उसी हिसाब से वो चलते हैं सिर्फ ये है कि इन्होंने इनके वालदेन ने इनको कलमा पढ़ा दिया था उनके ख़िलाफ़ लोगों की एक पूरी की पूरी एक तहरीक है कहीं दबी हुई है कहीं उठी हुई है कहीं सब कुछ ये जो उम्मत की तकसीम है ये क्या तकसीम बुनियादी तौर पर इसको इन लाइंस पे कि जहाँ कोई भी किसी भी मसलक का उठता है उसको इसी के अंदर मसलक के अंदर गुम करके और फिर फतवा लिया जाए कि बादशाह जो है वो कमाल है उसको ये शुरू भी इसी बुनियाद से शुरू हुआ था मसलन हम देख लें जो आगाज़ है इस्लाम का कादर इस्लाम जिसको हम कहते हैं खलफा राशद तक ये नज़ाम इस्लामी और हुकूमत इस्लामी और असूल रहे हैं हर चंद उसमें शिया राय मुख्तलिफ पाई जाती है।, है सुन्नी मुख्तलिफ़ है लेकिन बेलोक शिया आइमा ने भी उस खिलाफत राशद के निजाम को उसके साथ रहे एक तरह से ताउन रखा उसके साथ और यानी उसके मुकाबले में कोई कयाम नहीं किया जी जी उसको उसके साथ कोई उसको रद्द नहीं किया इस तरह तो एक तरह की जिसको हम फारसी अरबी में कहते हैं ना मुमाशात की ठीक यानी जब बन गया है ये निज़ाम तो चल रहा है तो चलने उम्मत को लिए और है। लेकिन फिर बाद में जो सिलसिला हुआ यानी यहां तक, तक, तक तो हम बदली जब पटरी जब बदली ट्रैक चेंज हुआ उसमें उसमें दरअसल ये जो आज जिसको अलामा इकबाल ने दो ताबीर बयान किए ना एक चंगेजीत और एक खानकाहत और आज आपकी असलाह में जिसको कहते हैं सेकुलरिज्म जी जी और जो दीन और दुनिया की जुदाई, जुदाई। का जो निज़ाम है ये सियासी सिया... तो, रह जाती है तो ये सियासी बुनियादों पर ही हुआ था ये यानी अगर आप दीन का निज़ाम अल्लाह का निज़ाम क़ानून अल्लाह का, अल्ला का लागू रखें और हाकम इस्लामी जो भी है वह पाबंद हो और उम्मत की नजारत हो उसके ऊपर कि वो पाबंदी के साथ इलाही हदूद के अंदर निज़ाम कायम रखेगा तो ज़ाहिर है कि उसमें कोई ख़ानदान तो हाकिम नहीं बन सकता फिर कोई जो इकतदार प्रस्त हैं जो सोच के बैठे हुए वो तो नहीं आ सकते इसलिए उन्होंने ये अलादा कर दिया कि दीन सियासत से बाहर कर दो जैसे यूरोप ने किया जैसे यूरोप लेकिन हमने पहले पहले किया। बहुत हम तो हाँ ये तुबा अक्सर अक्सर देखता हूँ तारीख दान व तारिक नवीस ये इश्तबा करते हैं कि सेकुलरिज्म का आगाज यूरोप से हुआ नहीं हुआ ये हमसे हुआ ये बिल्कुल मुसलमानों से हुआ दीन और दुनिया को इन्होंने पहले अलहदा किया उन्होंने तो बहुत बाद में किया तो उन्होंने अलीहदा करके दीनदारों को मजहबियों को लमा को एक काम सौंप दिया कि ये दीन है ये मज़हब है आप बैठ के इसको विरद करते रहें और तकरार करते रहें लेकिन इधर नहीं आना इस निज़ाम में सियासत में हुकूमत में ममलिक दारी में और समाज में इन चीज़ों के अंदर आपका कोई अमल दखल नहीं बनता तनख्वाह कार बने आप हुकूमत के और मुराद लेते रहें इधर निगाह नहीं उठाना और ये उन्होंने इसीलिए किया कि वो फिर अपनी मर्ज़ी का कायम करे और कर लिया उन्होंने और उसके बाद वो वरासत में मोरूसी बन गया और ख़ानदानों में मुंतकिल होता गया और फिर तदरीजन दूर ही होता गया आहिस्ता आहिस्ा ये खलीज बढ़ती गई और आने वाली नस्लों को इसे दीन बनाकर तालीम दिया गया मदरसों के अंदर यही तालीम दी गई कि ये दीन है आपका आप का तकवा ही ख़राब हो जाएगा इमाम खुमी फरमाते हैं जब मुझे पहली दफ़ा असर करके कुम से तहरान ले जाया गया तो सवाग का जो चीफ, चीफ था वो खुद आया मेरे पास चूँकि इनका एक बड़ा अनवान था मुतहदे मर जाए तकलीफ तो वो मजबूर थे उनको कुछ प्रोटोकॉल देने पर तो वो ख़ुद आया बातचीत के लिए और इमाम के उसमें है लिखा हुआ है अभी जो किताब छपी हुई है इमाम के खुदबाद की उसके अंदर लिखा हुआ है शहीफाई नूर में कि उसने मुझे आके शीशे में उतारना चाहा और मेरी तारीफ़ें की कहा कि आप बड़े अजीम आलम हैं बड़े मतकी हैं परहेजगार हैं आरफ हैं आप और बाखलास हैं जाहिद हैं आप, आपसे हमें बड़ी रूहानी तकवियत मिलती है आप तो ये सियासत तो अब फारसी आप तो जानते हैं जान सार तो इमाम ने ये जुमला इस्तेमाल किया इसलिए मैं इसको इस्तेमाल तो कर रहा हूँ इमाम कहते हैं वो सवाक का चीफ मुझे कहता है कि सियासत पेदरसुख्तगी है अब मैं माजरत के साथ उसका उर्दू तर्जुमा करता हूँ कि वो उर्दू में उसको कहते हैं ये हरामी पना जी बिल्कुल ठीक तो उसने इमाम को कहा कि आप मुकदस लोग हैं और ये तो बिल्कुल पदरसुख्तगी है ये तो इमाम अच्छा कहते हैं है, है, जो जा... आप जो है अयूब खान ने तो उससे मौलानी रम वो गए थे तो यही बात उनको भी उनको कहा कि ये आप

वो जो तुम करते हो वो वही चीज़ है जिसका तुमने नाम लिया है लेकिन मेरी सियासत मेरा दीन है तो सियासत यानी अगर इन उमूर से सियासी उमूर से इजतमाईत से समाजी उमूर से मुझे बाहर करोगे या किसी भी मुसलमान को तो दूसरे लफ्जों में उससे दीन से आपने बाहर कर दिया है तो ये काम भी हमारे इन लोगों ने किया जो इकतदार के मसंद के आशिक थे उन्होंने कुछ ओ जबर से किया और कुछ मकर व फ्रेब से किया और कुछ उनके मकर में आ गए और कुछ उनके धमकी में आ गए डर के कनाकाश हो गए हम अगर अवायल इस्लाम की तारीख देखें तो कितने उलमा पे तशद्द हुआ और कितने वलमा कि दोनों तरफ पहले तशो के आयम और यहाँ सुन्नी आयमा में भी मतलब मामो हनीफा का जेल में दर इंतकाल है उसके बाद हज़रत इमाम हम्बल के जिस तरह कोड़े पड़े हैं वहाँ पर आप देख लीजिएगा कि जैद बिन अली से लेके और माम नफ़िर से किया फिर उसके बाद तमाम आयम कोई जहर ख़ुरानी से कोई मुझे ये बताइए उसके बावजूद भी बनो अब्बास को भी और बनो मियाँ को भी में से ही लोग मिल जाते थे कि जो उनके भी बन जाते थे उनके साथलब आप देखें किस वक्त तमाम मान महानबल को कोड़े लगा करें तो, तो उनसे सवाल करते फिरते थे कि तुमने तो खून आलोद उसमें लिबास में, में नमाज कैसे पढ़ ली तो इस तरह की चीज़ों के तो ये आज भी ऐसे ही है आज भी जमशाक अवकाफ़ बुला लेता है बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम एक हमारे उलमा और अदीब इस्तेमाल करते हैं ना फसल ख़िताब या यानी फैसला कन बात ठीक वो गुफ्तु जिस पे दो टोक हक बाग अलग अलग हो जाता है मज़ीद उलझन ख़त्म हो जाती है और अब कोई गुंजाइश ही <स्थाँग्ण> नहीं है आगे मामले को बढ़ाने के लिए फसल अखताब आ गया है तो अगर हम देखें ना उसी ज़माने में करबला फसल अलखता है कि दीन का रास्ता और वो मलुकियत का रास्ता उसके दरमियान जो इमाम ने लकीर खींच दी और एक हजत तमा, तमाम कर दी कायम कर दी जिससे तो कमाल तो ये वो चीज़ थी जो शुरू में ही बता दी गई थी लेकिन हम देखें कि लोगों की हालत ये बन गई थी उस वक्त कि इमाम आलाम मसलन चार महीने मक्का में क्याम फरमाया और हज के दिनों में ठीक इमाम आलाम वहाँ शाबान में पहुंचे ठीक और ज़िलहजा आठ ज़िलहजा तक याम पजीर रहे शाहबान तीन शाहबान को पहुँचे आठ हज़ा को निकल गए वहाँ से तो ये वही हज के अयामदी तो इसमें इमाम अलैहिस्सलाम ने मुसलसल वहाँ हाजी जो मक्का में तो सरकर्दा लोग आते हैं ना ठीक। करीम एक तरह की मुसलमानों की आती है या उमरा के लिए आते हैं या हज के लिए आते हैं या किसी भी और मकसद के लिए आए लेकिन मुशरफ होके जाते हैं तो वो तो एक करीम है वहाँ बैठे जाकर और उनको सब बात बताई पैगाम दिया जो मकामी थे मक्का के ही थे हिजाज़ के थे उन भी बड़े बड़े फकहा बड़े बड़े साहबा बड़े बड़े साहबा की औलाद ये सब थे और उन सब को बड़ी तफसील से लिखा हुआ है तारीखों में कि बाज़ बुज़ुर्गों से तो कई कई रातें ग्रम गुफ्तू भुफ्तूर रहती थी उनके दरमियान और इस सूरत हाल पर एक दूसरे को कहने करते थे तो एक बुज़ुर्ग ने इमाम को जब बहुत इसरार किया कि आप जो कुछ सोच रहे हैं करने जा रहे हैं ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह है और आप हमारी दरख्वास्त है कि ना करें तो इमाम ने उनसे सवाल किया कि मुझे ये बताओ कि मैं ख़ता पर हूँ आप मुझे ये बताओ मैं ख़ता पर हूँ तो उन्होंने अल्लाह की कसम खा के कहा कि अल्लाह की कसम आप खता पर नहीं ठीक है बल्कि आप खतरे में हैं खता में नहीं है खतरे में है और मैं आपको खतरे से बचाना चाहता हूँ तो यहाँ इमाम अलैहिस्सलाम ने यह बात वाज कर दी कि जब ख़ता और ख़तरे में इंसान आ जाए मोमिन आ जाए तो, तो ख़ता में कूदे या ख़तरे में खत्रे खत्रे कूद जाए तो खतरे में कूदें खतरे में, कूदे। में कूद जाओ आप ख़ता में फिर भी गुंजाइश नहीं है यानी अगर एक तरफ आपके ख़तरा है और दूसरी तरफ ख़ता है तो ख़ता में जाने की अल्लाह ने कहीं भी गुंजाइश नहीं रखी है ख़तरा अगर आ रहा है तो खतरा मोल ले लो और आज अगर हम हमास को देखते हैं तो हमास ने खतरा मोल ले लिया फ़लस्तियों ने ख़तरा मोल ले लिया लेकिन खता का रास्ता नहीं तय किया और ये वो फसलताब काम है कि इसका मतलब यह है कि बाकी क्या है अब हम उमूम यहाँ आके रुक जाते हैं ना मसले कि इमामी हुसैन आलाम ने जो किया वो तो हक किया दुरुस्त किया खता पे नहीं गए खतरा मूल ले लिया और ख़तरे का खुमियाजा भी बोग रास्ता दूसरा अब हम क्या करें थी थी थी। या दूसरों ने क्या किया ठीक तो यूँ कि दोनों दुरुस्त रास्ते हैं यानी जिस रास्ते पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम <क्षण> गए वो भी दुरुस्त और जो मुतबादल था वो भी दो, दोनों तो दुरुस्त नहीं हो सकते नहीं रास्ते, नहीं। रास्ते, रास्ते तो आज भी दो मुतजाद रास्ते दोनों दुरुस्त नहीं हो सकते इमाम ये फरमाते थे कि बल्कि पाकिस्तानी कौम के नाम इमाम खोनी ने एक बड़ा अहम पैगाम शादिर किया है ये जरूर आपको देखना चाहिए शहीद आरफ हुसैनी की शहादत की मुनासबत पर होती हाँ, उसके अंदर ये जुमला है बड़ा अहम जुमला है ये कि इमाम ने फरमाया कि अगर ये हकीकत इस्लाम और तबलीगी मराकज़ और दीनी मराक़ज़ अपनी, अपनी अपनी उम्मतों को और उम्मत इस्लामिया को बता देते कि एक ही दीन के अंदर दो मतजाद रास्ते नहीं हो नहीं सकते तो ये कुछ हमारे साथ ना होता ठीक तो वो बड़ा गहरा जुमला है कि ये जो मुतजाद रास्तों को हमने दीन बनाया हुआ है इस्लाम बनाया हुआ है कि ये भी दिन है ये भी, भी इस्लाम है ये भी जन्नत में जाएगा ये भी जन्नत में जाएगा इसने सारा ये बहरान खड़ा किया है हमारे नजदीक और फिर जो इकतदार पसंद तबका है वो तो हमेशा है अब पाकिस्तान में हार पाकिस्तानी की तो ख्वाहिश तो है कि मैं जितनी ताकत कुदरत मुझे मिल सकती है पहुंचू जायज या ना तरीके से पहुंचू तो ख्वाहिश तो इनके अंदर है अगर दीन भी आपको ऐसा मिल जाए दीन भी आप वसीला करार दें आप वहाँ तक पहुँचने का तो फिर वो तो बड़ा आसान हो जाता है आसान हो जाता है बड़ा आसान हो जाता है तो, तो इस चीज़ ने हमें तारीख़ के सफ़र ने दर्दनाक सफ़र ने यहाँ पहुँचाया है जो सूरत हाल आज हम सामना कर रहे हैं आलमी सतह पर भी और मुल्की सतह पर भी देख रहे हैं लेकिन इसका राय हल है यानी ये तो एक तरफ़ से हम देखें ना कि अलमिया है या एक साना है जो हुआ है और उसके असबाब हैं एक वाक़ जो हो चुका है लेकिन आया इससे हम निकल सकते हैं बाहर आ सकते हैं या नहीं आ सकते तो ये तो कतन आ सकते हैं हम रसोल सल्हु वसम ने जिस खाई से जिस बहरान से लोगों को निकाला ये उससे ज़्यादा संगीन तो नहीं बिल्कुल ना उतनी जाहलीत उतनी है ना जलालत उतनी है ना गुमराही उतनी है वो तो बहुत पस्ती थी उसमें उस पस्ती से निकाल कर हुजूर ने लोगों को निजात दी एक उम्मत बनाई तो यहाँ से निकालना बहुत आसान है लेकिन उसके लिए एक आज़म चाहिए जो कुरान करीम का फरमान है कि ये कुछ काम हैं जो आज़म तलब करते हैं पुख्ता इरादे बड़े मजबूत इरादे और उन इरादों से ये काम हो सकता है और ज़ाहिर है हमारे ज़माने की मिसालें भी मौजूद हैं और सबसे ताज़ा तरीन मिसाल यही हमास की मिसाल है बहुत बड़ी मिसाल है आप सोच सोच अच्छा हमास की क्योंकि उधर बात आज ही के दिनों में ये हो रहा है एक फ़लस्तीन की तहरीक थी जो कि सेकुलर लिबरल तहरीक थी मैं उनका जिक्र जहाँ इसलिए नहीं करना चाहता था उधर बातें उन्होंने भी कुर्बानियाँ दी हैं तफसील क़ुरबानी दी है उस वक्त तक वो इस उम्मत में हर बंदे की लाडली तहरीक थी उनको हीरो बना के पेश किया जाता था।, था हमारे शौरा उनकी तारीफ में किस किस की तारीफ में नहीं लिखी लोगों ने शायरी लिखी ये किया वो। हमारे एक बहुत बड़े अदीब थे वो जाके एक एडिटर भी बन गए लेकिन जब से ये तहरीक दीनदार के हाथ में आई है हमने उनको दहशत गर्दों का इमाम बना दिया ये कितना बड़ा आलमी है ऐसा ही हुआ ये ये बहुत बड़ी तब्दीली आई है ये बड़ा टर्निंग पॉइंट था फ़लस्ती की तहरीक आज़ादी में और हमें इसको समझना चाहिए अहले सुखन व अह कलम को और इस नस्ल को आगाह करना चाहिए वो जो तहरीक आज़ादी या फ़लस् के नाम पर जो कुछ हो रहा था अरब अरब सब सब थी का जनादा निकाला था उन्होंने में। ऐसा ही ऐसा ही है और उसका नतीजा भी देखा कि हर रोज़ इन्होंने फ़लस्तीन पर तो उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था फिर जो जो ये आगे फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए आगे बढ़ते थे उर्दन पर भी कब्ज़ा हो गया मिस्र पर भी कब्ज़ा हो गया शाम पर भी कब्ज़ा हो गया लुबनान पर भी कब्ज़ा हो गया और यह आहिस्ता आस्ता बढ़ना बढ़ता जा रहा था आप लामा साहब मुझे बड़े सबसे तकलीफ थे जुमला मुझे लगता है आप यकीन उस पर तब्सा करेंगे मैंने वो तकरीर सुनी है जो नासिर ने की थी उन्नीस सौ सतासठ की जंग में तो उसने कहाता है फिर के बेटो आज तुम्हारा मूसा के बेटों से मुकाबला है हाँ जी बड़े सम्मत ने सुना है ये फिक्र तो अल्लाह को तो तो लाडला था ना <laughs> तो यहाँ जो एक पूरी दुनिया के अंदर जो एक वो मायूसी की फजा थी ठीक। और उसके अंदर जो मुसलमान तहरीकें थी आज़ादी की तहरीकें थी तकरीबन तकरीबन ये अपनी ताकत खो बैठी थी कमजोर हो चुकी थी मायूसी की हद तक पहुँच चुकी थी नाउमीदी की हद तक के कामयाबी नहीं है पूरी दुनिया में रोनम हुआ वो इनकलाब इस बिल्कुल ठीक है सरबरा और दीन की बुनियाद पर वो हुआ यानी उसकी बुनियाद बिल्कुल दीनी जब इन्होंने आपके बकोल जनाजा भी पढ़ दिया था उठा दिया था और अपने तय ऐलान कर दिया था शारक गर्भ ने ऐलान कर दिया था रूस ने ऐलान कर दिया था कि हमने अपनी सरजमीनों से अल्लाह को निकाल दिया है ताले लगा दिए थे इन्हों न, इन्हों इस्लाम नहीं हर मजहब हर दीन को मजहब को हर मजहब को निकाल दिया था और इधर सरमादारी ने भी यही काम किया भी था भी तो ऐसे में ए, इमाम ने दीन के नाम पर बिल्कुल खालिश दीन के नाम पर बिल्कुल उसमें कोई और जी मैं जाता रहा उस में देखा जी जो अचानक दिल्ली आई थी और जिस तरह के नौजवान साथ थे उस वक्त और इसमें उनकी गफलत यह थी इस पर मैं काफी गुफ्तु की है कि अमेरिका भी धोखे में मारा गया जैसे अभी हमास से धोखा खा गया ये और हाँ उस वक्त भी बिल्कुल हु बहू यही इतफाक हुआ गफलत में मारे गए अपने गमंड में मारे गए ये समझ रहे थे कि हमारी इंटेलिजेंस इतनी तेज है। रिपोर्टें थी ईरान में इनकलाब नहीं आ सकता हाँ मिडिल क्लास बहुत अच्छी हो गई है यहाँ और अगर खतरा भी था तो हिजब तुदा से था तो कम्युनिस्ट तो पार्टी से, से खतरा था और उन पर पूरी नज़र थी वो इनके जकड़े हुए थे इनके सामने और उनसे उनके खतरे को इन्होंने सिफर बना दिया था हुँ. और ये कहते थे कि ये मौलवी बेचारे दो कद के इन इनको ये कर ला सकते थे ठीक तो ये इस घमांड में मारे गए इन्हें किसी खाते में इन्होंने शुमार ही नहीं किया और वो अल्लाह ने वो कर दिखाया यहाँ से तमाम दुनिया की जितनी आज़ादी पसंद तहरीकें थी उनमें दोबारा जान पड़ गई रू पड़ गई पढ़ी बिल्कुल पढ़ी और उनकी उम्मीद जिंदा हुई फलस्तियों में उम्मीद जिंदा हुई और इमाम ने आकर शौरी तौर पर फलस्तन को अपने उस मिशन का बनाया हिस्सा बनाया और ये बहुत अहम बात आज भी मैंने खुतबे में दोहराई है और पहले शायद बी दफा कर चुका हूँ कि इमाम ने वो तहरीक आज़ादी फ़लस्त जो खयानतकार हुक्मरानों के खेल बनी हुई थी बाजीचा बनी हुई थी इमाम ने उन हुक्मरानों से लेकर वो आवाम को सुपुर्द थीक, की ठीक ठीक मिल्ल मुसलमा को सुपुर्द की कि ये आपका काम है ये तहरीक चलाना और फलस्ती को भी ये बात समझाई कि आप जिन जगहों से उम्मीदें लगा के जिन पत्तों पर भरोसा करके बैठे हो वो नहीं है काबिल अतमाद वो अरब सरबरा हों मुस्लिम सरबरा होंव मुतहद हो मगरब हो कोई भी हो इन में से सब को आज़मा लिया है आपने लेकिन अगर आप ये आजमाओ तरीका जो इनकलाब के अंदर था और वो यह था कि अपने आवाम पर भरोसा करो आप और अपने आप पर भरोसा करो और अपने अल्लाह पर भरोसा करो तो कामयाबी आपको नज़र आएगी और फिर मुझे याद है कि शेख अहमद यासिन रहा वो आए तेहरान आए आगे मिले दिया दिया। और ये टर्निंग पॉइंट था फलस्तीन का यहाँ ये उन्होंने अपनी जिहत बदली अपनी स्ट्रेटजी बदली और फिर हमास और उस तहरीक आजादी फलस्तीन पे ये भी रास्ते अलहिदा हो गए ठीक और फिर जब उन्होंने देख लिया कि हमास ने अपना रास्ता अलग कर लिया है और हमास जैसे दो तीन ग्रोह और थे तो इन्होंने उन पर दबाव डालना शुरू किया और उन्हें खत्म करने की कोशिश की बहुत सख्त कमर शिकन दबाव डाला इन्होंने हमास के ऊपर इन फ़िलिस्तीनी तहरीकी वालों ने तहरीक वालों ने भी और अरबों ने भी सब ने कि ये बिल्कुल ये बचा यहीं पर ख़त्म हो जाए लेकिन अल्लाह का इरादा था कि ये ज़िंदा रहे, रहे और हाँ। जवान हो जिस तरह मूसा को फिर ओन ने कत्ल करना चाहा लेकिन अल्लाह ने उन दरियाओं से और हर चीज़ों से अबूर करा के बिल आखिर फिर ओन के गर्क का वो वहीं से वहीं उन्हीं के हाथ से करवा एक और अहम चीज़ जो कि जो कि बात वहाँ से चल रही है हर दौर का एक ताबूत होता है और उसका इदराक बहुत ज़रूरी होता है और अम्बिया करते रहें नमरूद सैजना इब्राहिम फ़िरन हज़रत मूसा वहींकफुता ताबूत व्यूमिल्ला जब तक आप ताबूत का इनकार नहीं करते अल्लाह पर ईमान मुकम्मल नहीं होता साफ से बात कुरान फैसले ताबूत के पास मत करो लेगा शैतान बुजुर्ग का नाम दिया था अमेरिका और क्या आप समझते हैं कि आज भी ताबूत बुनाई तौर पर अमरीका है मुजस्म चा ताबूत इसका आप कह सकते बिल्कुल है लेकिन तागूत के बच्चे हैं ताबूत के बच्चे तो होते है हैं पूरा एक खानदान बन चुका है उसका तागूत तो ने, है। अकेला नहीं है उसने पूरा अपने आप को एक नेटवर्क बना लिया है और उस तुग, तु, तागुतियत का कब्ज़ा दुनिया के ऊपर मुसलमान ममालिक में बिलखसूस ये छाया हुआ है जड़ें उसने अपनी मजबूत की हुई हैं और ये बात कि आपका दीन जो शुरू होता है जैसे इकबाल ने ज़्यादा बेहतर फसाहत के साथ खोल के बयान किया है कि हमारा जैसे हम कहते हैं ना कलमा है मुसलमान होने के लिए इस, इस, इस कुफर से या बेदीनी से मुसलमान होने के लिए जो चीज़ इंसान को कहना पड़ती है वो ला इलाहा ला ला है तो हमारा जो दीन शुरू हो होता है वो ला से शुरू होता है अल्लाह से नहीं ला से शुरू इनकार पहले है और ईमान बाद में आप अगर ताबुत भी है और आप अल्लाह पर ईमान रखें तो वो किसी ताबूत को ही अल्लाह बना लेंगे तो ताबूत पहले किनारा उसको बरकनार कर दें फिर आप अल्लाह पर ईमान ला सकते हैं और यही बुनियाद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही किया और करवाया ठीक। और बाद जब तक दीन के कोई नाम रहा तो यही सूरत हाल थी लेकिन जब ताग़ूत ही आके उसने दीन की जमाम ताग़ूत ने ले ली जो तो वही आके बन गया वो रहबर बन गया वो पेशवा बन गया तो लोगों को ये तमीज़ ही ख़त्म हो गई कि ये ताग़ूत जिसे इनकार करना था उसकी याद शुरू कर दी उन्होंने और ये ताबूत परस्ती की तमरीन मश्क़ करवाई ख़ुद मुसलमान हुक्मरानों ने और फिर आहिस्ता आहिस्ता तो। आलमी ताबूत परस्ती की तरफ चले गए हम मसलन अभी भी मैं अक्सर कहता हूँ सब को कायदतन जो होता है ना कि जिस किसी ने दूसरे के साथ जुल्म किया हो तो उसकी नस्लों में भी नफ़रत पाई जाती है मसलन जिस कौम जैसे सेहूनी आज ऐलस्तनीों पर और ये खुदा करेगा एक दिन ख़त्म हो जाएगा तो फलस्तनीों को याद रहेगा इनकी सारी नस्लों को याद रहेगा जैसे यहूदी खुद आज मरसिया पढ़ते हैं होलोकास्ट का के जर्मनी हाँ, दो हज़ार साल तक उनके जो उन्होंने हम पर म किया तो उन्हें अभी भी याद है कि वो जुल्म भूले नहीं है कोई भी यहूदी नहीं भूले बल्कि वो याद करवाते हैं करवाते हैं उनके यहाँ जो हलोकास्ट का म्यूजियम है उसके अंदर अमेरिका के अंदर मैं एक दादी अपनी एक पोती को लेके गई हुई थी मैं तब समय और उसको बता रही थी कि हमारे कंसंट्रेशन कैंप ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं यानी नस्लों तक वो एक चीज़ जिंदा रखना चाहते हैं वो जख्म जिंदा रखना तो फलस्तनी को तो नहीं भूलेगा ना ये दर्द इनके अंदर ये दुख रहेगा ये अब अलमिया देखें कि यही हाल अंग्रेज़ों ने मुसलमानों का किया है जुल्म किया और इंतहा की है तकसीम किया इन्हें हर इनकी इनका दीन खराब कर रही है शहीद हो चुके Allah, okay. लेकिन कोई नहीं है उनका। अब अब हम मुसलमानों की हालत देखें ना मसलन पाकिस्तानियों को ही देख लें पाकिस्तानी मुसलमानों को कोई है जिसको नफरत हो इन लोगों से कोई नफरत अमेरिका से नफरत हो बरतानिया से नफरत हो नहीं पैदा हुई नफरत इनके अंदर ये अजीब बात है कि जालिम से सितमगर से जिसके हाथों से आपने हमारे इन बुजुर्गों ने अजदाद ने क्यों आज़ादी अगर अंग्रेज़ों ने हम पे कोई जुल्म नहीं किया था तो आज़ादी का है कि क्यों आज़ादी बिल्कु ली बिल्कुल ठीक बिल्कुल उन्हीं के रहते उनके इख्तियार में रहते अगर कोई जुल्म नहीं कर रहे थे कुछ तो कर रहे थे आपके साथ कि आपने आज़ाद आज़ादी की तहरीक चलाई तो आज़ाद होकर उनकी मोहब्बत में पहले से ज़्यादा गिरफ्तार हो गया दो तो ताबूत की मोहब्बत इनके दिलों में है नफ़रत नहीं है असल बात है, और ताबूत की, की।, की नफ़रत कौन पैदा करता है कुरान कुरान तो हमने जाहिर कुरान जो तागूत की नफ़रत पैदा करता है उस कुरान के उस मनहज को ही नहीं लिया हमने रूह पैगाम लिया ही नहीं हमने अलामा इकबाल जैसी शख्सियात जो कर्न को ख़ालस तरीके से मसलक के बगैर रंग चढ़ाई बगैर कुठी कारी किए बगैर जो कर्न को पेश करते थे वो तफसीर हमने नहीं ली हमें यकजा अल्लाह से भी मोहब्बत है तागुत से भी मोहब्बत है ने का, अगर तुम्हें खाही मुसलमान जिस पर कुरानी कुरान पर हम सब इकट्ठे हो सकते हैं बहुत बड़ा आलमिया है कुरान पर हम इकट्ठे नहीं होते इसी क्या वजह है उसकी वजह यह है ना कि हम ये तो उस बुनियाद वो वाली है करते आपका, है। ये बहुत जहनों में है करते भी हैं लोग बिलुमोम आज मीडिया का दौर है हर आदमी अपने अपने हमारा जब दीन एक है क़ुरान एक है और शुरू में जो आपने के अशार पढ़े हैं उनमें भी है कि जब अल्लाह एक है कुरान एक है नबी एक है क़िबला एक है तो मुसलमान एक क्यों नहीं है ये बड़ा अहम नुक्ता है कि क्यों नहीं है एक जब यह सब एक है ये इस हुसन जन पर है मौकूफ़ है कि हमारे जहन में यह है कि ये लोग हैं तो खालिस मुसलमान यानी अल्लाह से मोहब्बत है रसूलुल्लाह से मोहब्बत है क़ुरान से मोहब्बत है फिर हमें ताज्जुब होता है कि कुरान से इतनी मोहब्बत के बाद ये एक क्यों नहीं है ये एक एकज़न है हमारे अंदर सब की बाबत कि ये कुरान की हद तक तो मुखलिस हैं सारे मानते हैं कुरान को अल्लाह को तो सारे मानते हैं जैसे अलामा ने भी कहा ना कि अल्लाह भी अभी भी, भी एक है ये एकजन है हमारा कि ये इन सब को मानते हैं और फिर ये और तोज्जब हमारे अंदर पैदा होता है कि फिर एक क्यों नहीं है तो र है कि अगर ये वाक मुखलस होते अल्लाह क़ुरान एक इस पर ईमान होता तो एक होते ना ये अब जबकि एक नहीं है और एक होने का इनका दूर दूर कोई नज़र भी नहीं आ रहा है इम्कान भी नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब यह कि शक है ना उस चीज़ के अंदर शक करना चाहिए कि ये जो दावे करते हैं कि हमारा अल्लाह पर ईमान है हमारा क़रआन पर ईमान है नहीं है इनका वामा से मक़ूल अमन बिल्ला बिल आखिर वमा हम बेमोमिन युद्ध उनद् आमनों यह धोखा देने के लिए है धोखा है अगर वाक़ा इनका ईमान है अल्लाह पर अगर रसोल्ला पर है तो ये कैसे हो सकता है कि रसोल्ला से इश्क हो और रसोल्ला की उम्मती से नफ़रत हो रसोल्ला का कलमा पढ़ने वाले से नफरत हो एक रूमी ने बहुत खूबसूरत तमसल पेश की है उनकी बाकी तमसलत की तरह कि मजनू ने एक दिन वो कुत्ता देखा तो कुत्ते को पकड़ लिया उसने और उस कुत्ते के पाँव के तलवे चूमने लगा वो चाटने लगा चूमने लगा तो लोग लोगों ने ताजुब किया कि मजनू ये क्या कर रहे हो आप तो उसने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि ये कुत्ता कहाँ से होके आया तो कहां कहाँ से कहा लैला की गली से होकर आया अब हम लोग सारे नाते पढ़ते हैं मदीना का इश्क ज़ाहिर करते हैं मदीना में जाके जूते उतार लेते हैं मदीना में एक निगाह पड़ जाए फलां हो जाए खूब ये बंदा जो मदीना गया है जीारत करके आया है रसोल्ला के रोज़े वापस आया है तो इसको क्यों नहीं चुनते आप इसका एहतराम क्यों नहीं करते आप उसको चाहते आप एक वाक़ा लिखा है मैं उस चाहूँगा उसके हिसाब से मैं उन्होंने कहा कि मेरे एक मौलवी साहब जो थे उनसे मेरी मुखासमत थी मैं उसको पसंद नहीं करता था क्यों मेरे पीर के बारे में गुफ्तु करता था आप आपने रूहानी लेवल बहुत कमाल आदमी हैं आप तब मैं बहुत है। तो बहुत ही मुबतदी आदमी तो मैंने कहा एक तो मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़्वाब में आए और कहा तुम उस मौलवी से नफरत क्यों करते हो फ मेरे पीर को नहीं मानता कहते जिस फ़िक्र ने मुझे लरसा दिया कि लंबिया ने फरमाया मुझे मानता है तेरे पीर की क्या हसीियत रहेगी सब उम्मत सैदलब्बियाली सल्लम को मानती है चिया हो सुन्नी हो तो हो बरेलवी हो सब कुछ हम उस सरकार दो आलम सलील वसम की कुरान और उनकी शख्सियत दो ही तो हमारे पास चीज़ एक नमूना है इसके अंदर हम हम क्या क़ुरान को पढ़ने का हमारा अंदाज़ ग़लत है रास्ता ग़लत है समझने का तरीका ग़लत है एनक गलत है

मामूल के मसाइल में इख्तलाफ़ पैदा कर सकते हो लेकिन नफ़रत लेकिन उसकी तकफीर या उसके उसको ख़त्म करने का जवाज़ अब ये चीज़ें कहाँ से आ गई इसका मतलब यह है कि ये जो दावा है हुबे नबी का ये गलत है ये मशकूक है ये चूँकि अमल उसका गवाही नहीं दे रहा है अब जो आगे बात आती है कि हम क़रआन पढ़ते हैं लेकिन कर्न से कुछ लेते क्यों नहीं है इसमें कोई शक नहीं है कि कुरान की तरफ तवज्जो है भरपूर है लोग पढ़ते हैं और सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब है मुस्लिम भी पढ़ते हैं <स्था> बगैर समझे पढ़ते समझने की भी कोशिश करते हैं लेकिन एक काम जो गलत कुरान में हो रहा है अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुरान के इमाम ना बनो कुरान को अपना इमाम बनो जहाँ कुरान जाता है उधर उधर जाओ जहाँ कुरान रुक जाता है वहां रुक जाओ आप क़ुरआन को पकड़ के ना ले जाओ अपनी गलियों में और अपने असल जो क़ुरआन का इस्ता है मसलन हम आप अगर उलमा तोलबा के मदरसों में और घरों में जाए ना तो आपको बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ मिलेंगी ज़रा उनको शौक होता है शौक़ होता है किताबों का आजकल तो मीडिया वाले ओलमा है पता तो नहीं तो लाइब्रेरियां तो तो बनाते वेबसाइट तो आ गई है ना हाँ, अब अब कोई नहीं, नहीं, तो नहीं तो आ आ आप, था इस्लाम 360 और मस्कुल हाँ, लेकिन जो वो हमारी तालिबे के जमाने तक ये था कि किताब एक आलिम की ज़ेवरात है एक तरह से और वो लेते थे किताबें मैं खुद ऐसा ही था जो मुझे वो महीने का जो खर्चा मिलता था तो मैं उसमें से आधे से ज्यादा से किताब खरीद लेता था फिर बाकी आधे खर्चे से महीना गुजारते तो उसमें से भी कोशिश होती थी कुछ बचा के फिर किताब ले लें तो ये किताबें घरों में ढेर किताबें भरी होती हैं वो किताबें जो उन्होंने भरी होती हैं उसमें से कितनी उन्होंने पढ़ी हैं ये पढ़ते नहीं हैं ये रेफरेंस के लिए होती हैं हवालों के ठीक. लिए कि ये किताब उसने लेके रखी हुई है कि किसी मुनाजरे में किसी मुखालिफ में अगर कोई बात कर दी तो इस किताब से मैं जवाब निकाल, निकाल के उसको दूंगा ये मेरी रोज़ की मुताले की किताब नहीं है किताब भी एक रेफ़रेंस बुक बन चुकी है एक अपने फ़िरक़े की ताईद के लिए बिल्कुल ठीक चुन चुन के आयात निकालते हैं तरतीब से आगे नहीं जाते बिल्कुल ठीक चुन चुन के आयात इन्होंने हारे फ़िरके ने अपनी आयात अलग की हुई हैं कि ये आयात जो हैं ये बेहतरीन आयात हैं इनसे हमारे फ़िरक़े की तइद होती है इन आयात से दूसरे फिरके तो की ताईद होती है तो ये तो हिदायत तो नहीं है ये कुरान का गलत इस्तेमाल है कि आपने असल अपने फिरके बनाए हैं फिरकों फिर कुरान तो कुरान तो इमाम ना हुआ इमाम। आप इमाम बन गए कुरान के जो नहीं होना चाहिए था तो अगर कुरान इमाम होता तो कुरान तो हमें सीधा ताबूत के मुकाबले में लाखड़ा करता ठीक कुरान तो कोई समझौता नहीं करता कुरान तो इंसान की अबदियत पर कोई दूसरा कोई ऑप्शन देता ही नहीं है ना कि आप अल्लाह की बंदगी और एतात के अलावा भी आपके पास कोई अल्टरनेट है ये नहीं है और कुरान मुसलमानों को मोहब्बत के इन नमलमोम अखवा दीगर जो आयात अल्लाह तबारक वाली ने नाजिल किए कुरान तो अखवत के अलावा मुसलमान को दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं देता जो हमने ले लिया है कि हम मुसलमान भी कहलाते हैं एक दूसरे से नफरत भी करते हैं मुसलमान भी कहलाते हैं एक दूसरे की तकवीर भी करते हैं मुसलमान भी कहलाते हैं एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं हर करते हर मस्जिद पर कहीं ना कहीं आयत जरूर लिखी होती है बेहब्ला जमी बला तफ़र रखो कल्ला की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और तफ़्र का मन डालो यानी तफरका कुफर है इस आयत के मुताबिक जी फिर वारीत कुफर है इनकार है ना हर चीज़ का इनकार हो गया आप रस्सी छोड़ दी ना आपने जी जी तो फिर ये, ये अच्छा एक और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि मुश्तरक में अहम तरीन जो चीज़ जो चीज़ नाफजा है उनमें कोई इख्लाफ नहीं कोई फ़रका नहीं कहता गज़ना जायज़ है सूद हलाल है चोरी वाले का हाथ ना काटो फहाशी और रुानी जायज़ है कसास क्या चीज़ होती है इसमें मुझे एक मैंने एक दफ़ा जब मैं लॉ डिपार्टमेंट के साथ मैंने कहा था कि मुझे एक कॉमे का फ़र्क बताओ तुम ज्यादा ये नहीं कहेगा इधर से नहीं इधर से काटना कट, तो है ना सब कुछ उसके बावजूद हम लोग इस बुनियादी चीज़ को कि जो खास तौर अल्लाह मलम यकमान सल्लाकाफर जो लोग हमने नाजिल किया उसको तो नफाज नहीं करते वो काफर हैं वहाँ मुतुल वो जो तीन तमगे हमने सजाए हुए हैं हम सब ने वहाँ कोई तकफीर की बात नहीं होती कि भाई तुम ये क्या इस मुस्तरक़ात पर कौन है जो हमको इकट्ठा नहीं करता ये हम खुद नहीं होना चाहते उसकी वजह यह है कि जो हमारे दीनी तालीमी इदारे हैं जो कुरान सिखाते हैं इस्लाम सिखाते हैं सुन्नत सिखाते हैं उसूल सिखाते हैं ये फ़िरका पढ़ाते हैं तीन नहीं बढ़ाते हाँ फ़िरक़े का जो मनाबे हैं वैसे तो हम कहते हैं ना दीन के इस्लाम तो के मनाबे कितने हैं कुरान सुन्नत उमून कहते हैं कुरान और सुन्नत है लेकिन ये दीन के मनाबे हैं के ये मनाबे नहीं हैं के के मनाबे बुजुर्ग फिरके के बुजुर्ग ठीक असलाफ ठीक उनकी फिक की किताबें उनकी अपनी किताबें उनके अपने बुजुर्ग उनके अपने मुर्शिद उनके अपने फला ये मनाबे फिर हैं तो हम मसल फ़ारज करें हमने मदरसा बनाया हुआ है शिया मदरसा है अगर इसमें बैठ कर हम फिरका पढ़ाएं फिर तवक्को तो नहीं रखें चूंकि फिरके में होता ही तफरक़ा है फ़िरका का मतलब ये होता है रद है ना रद्द है कि आपने सब को दीन से बाहर साबित करना है और ये निसाब यही पढ़ाते हैं कि दीन से बाहर मैं एक आस्थाने पर गया सूफिया के जो मज़ारत हैं तो वहाँ जाकर उन्होंने मुझे बताया कि ये बुजुर्ग जिनका उर्स है इन्होंने अपनी जिंदगी में आठ लाख गैर मुस्लिम को हिंदुओं को मुसलमान किया था।, था तो बड़ा काम है ये आठ लाख छोटी अदद तो नहीं है ठीक। तो मैंने कहा कि फिर आपने इन बुजुर्गों की वफ़ात का वो पूरा बताया उन्होंने तो आप उनके गद्दी नशीन हैं उनके वारिस हैं उनकी सारी सिलसिले को आपने महफूज रखा हुआ है तो मैंने कहा ये जो आठ लाख उन्होंने मुसलमान किए थे ये भी बुजुर्गों की विरासत में शुमार होता है या नहीं होता तो इनको तो अभी लोग काफिर कह रहे हैं सारा दिन से बाहर कर रहे हैं इनका काम था कुफार को दीन में लाना आज मुफ्ती बैठा हुआ है इन सब को दीन से बाहर करने में तो इस मीरास को संभालो ना आप अपने ये आस्थानी की मीरास है ना ये आठ लाख मुसलमान ये आठ लाख तो सौ साल दो सौ साल पहले उन्होंने किए थे आज तो ये एक करोड़ तक पहुंचने चाहिए थे इतनी तदाद तो ये तो आपकी मीरास है इसको संभालो आप ये फ़िरके जो फ़िरक़ों की एक मिजाज है नफसियात बन जाती है फ़िरका सिर्फ़ एक नज़रिए का नाम नहीं है फ़िरका एक मिजाज है उस मिजाज के अंदर उसकी नफ्सियात हैं और उसके रुझानते हैं और उसकी बुनियादें हैं और फिर में ऐसी चीज़ है कि जो हमेशा इजाफा हो रही है यानी फ़िरक़े की तालीमत कभी भी नहीं है कि ये उसूल है और आगे नहीं है कुछ हर नस्ल में अपनी तरफ से कोई है। है ना चीज फैला है।, है।, का है जैसे दूसरे की नफे जैसे जमाते हैं इनको इकतदार चाहिए कुर्सी एक कुर्सी है इस, इस वक्त दो सौ जमाते हैं पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि इस कुर्सी पर बैठें तो ज़ाहिर है ये एक दूसरे की नफ़ी करेंगे एक दूसरे को बाहर करेंगे तो ये एक को मिलेगी कुर्सी बाकी एक सौ की नफ़ी करेंगे फ़िरकों की बिल्कुल यही हालत है कि ये बाकी एक सौ निन्यानवे की नफ़ी करते, करते हैं।, हैं तो फिर ये अपने आप को हक साबित करते हैं अगर फ़िरके के तो उसमें दलदल में कोई चला गया ना तो फिर ये कुरान सिर्फ़ एक रेफरेंस बुक बन जाता है हिदायत की किताब नहीं है सुबह निकालना वो, वो निकालो वो, 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 वो हमारे वाली वो बने हमारे वाली अच्छा एक तागुत हमने एक हमारा अपना भी पाकिस्तान का पाकिस्तान दुनिया की तारीख का बहुत बड़ा मौजा इस हवाले से है कि हर एक सौ नब्बे के करीब मुल्क हैं हर मुल्क अपनी ज़ुबान के हिसाब से रंग के हिसाब से नस्ल के हिसाब से बनाया गया अक्सर अकात हमारे यहाँ गलत बात की जाती है कि जी पंजाबियों पठानों सिंधियों बलोचों ने मिल के पाकिस्तान बनाया बात उलट है मैंने पंजाबी होने से इनकार किया था तो ये मुसलमान इस मुल्क बना था वरना मेरे साथ तो पंजाबी दो करोड़ उधर बैठे थे मैंने पठान ने से, से इनकार किया था वरना पूरा अफगानिस्तान पठानों का मौजूद था सिंधी ने से इनकार किया था इस मुल्क का एक तागूत है और वो तागूत इसकी लीडरशिप है बाईस इकट्ठे हुए बाईस नुकात, तमाम तमामा इकट्ठे हुए 1949 में उन्हें लिख के दे दिया कि ये इन नुकात के ऊपर अगर तुम दीन नाफज कर दो तो हमें कबूल है कोई ऐसा नहीं था जो ना एल हदीस हो चिया हो सी हो उसके बाद एक पूरी मुहिम इन तबकात की चली है और आज मैं तकलीफ़ से बात आपके सामने रख रहा हूँ कि इस वक़्त दीन के लिए फ़िरका फर्स्तीस से भी ज़्यादा बड़ा ख़तरा इलाहात का आ चुका है जो इस वक्त इलाहात की जो उनका ग्रुप बना हुआ है उसकी मेंबरशिप सत्ताईस से तीस लाख के करीब है ये कोर ग्रुप इतना बड़ा किसी फ़िरके का नहीं है जो समझने सोचने वाला उसकी तालीमात पे को, को समझने वाला उसके ऊपर वेबसाइट बनाने वाला दीन का सोच समझ कर इनकार करने वाला है इस ख़तरे का एहसास है हमारे कराम को अगर हम बिलूम के हैं तो नहीं हैं चूँकि इनकी जो मसरूफ़ीत है मशगले हैं उसे देखें तो लगता है कि इन्हें पता भी नहीं है कि ये दिमक चाट रही है आपकी मौजूदा नस्ल को यानी की कुछ उलमा हैं सियासी सरगर्मियाँ हैं कुछ उलमा हैं फिर अपने फ़िरके की सरगर्मियाँ हैं इदारा अपना चला रहे हैं मस्जिद अपनी चला रहे हैं तो हर एक अपने अपने काम में मसरूफ़ है अगर इन इसकी तरफ तोज्जो होती तो जाहिर है कि आज मीडिया का दौर है इन्होंने मुनाजर फ़िरका वाराना रखे हुए हैं जो रोज़ाना नया उसका एपिसोड आता अच्छा है। कुछ अब सियासी भी हो गया अब तो हाँ। अब तो, तो मतलब है कि फ़िरका वारियत के बनापिक सियासी तंजीमें भी बन गई ऐसे ही है और एक तो दूसरे के की को खास तंजीम नहीं है अब तो अगर होता तो होती तो इलाहा के मुकाबले के लिए कोई वेबसाइट कोई पेज कोई चीज़ कोई, तो कोई जी जी कुछ तो होता ना बुनियाद होती अभी चंद दिन पहले दो तीन दिन पहले दो जवान आए यूनिवर्सिटी से और यही मौजू ले आए कि हम चाहते हैं कि आपसे इस्तः करें तो फिर वो खुद बता रहा था वो जवान कि मैं मुलहद था और फला की ताली से मुतासर होकर मैं मैं खुद एक ज़माने में मलद रहा हूँ मैट्रिक के बाद मैंने अलामा न्यास्तपुरी की एक किताब पढ़ी मैं नाम लेता <laughs> लागू पढ़ना नहीं शुरू दे <laughs> वो किताब पढ़ ली थी मैंने फिर मैंने कहा उस पढ़िए उसमें उसमें कम्युनिस्ट मुल हो जाता था।, था तो लेकिन फिर उसके बाद अल्लाह ताली ने मेरे लिए सिर्फ एक डेढ़ साल के अंदर इबारत की दुआं लेकिन मैं वो साल याद करता हूँ कि अगर मुझे अल्लाह त खास करम ना होता तो मैं उन नौजवानों को देखता हूँ साहब इनको इस, समझ इस वक्त तो और ज्यादा बुरी हालत है ना आपके जमाने में मीडिया इस तरह नहीं, आ, नहीं था।, था आपके जमाने में कोई मुलहदाना बात बड़े जी डके तरीके मुलाना छुप के पर्दों में पहुंचती थी आप तक आप तो खुली पहुंचती है हर एक तक पहुंचती है तो उन जवानों से मैंने पूछा कि आप एक तो वो ज्यादा माइल थे बताने में कि मैं इलाहा से फिर मुसलमान कैसे हुआ मेरी ज्यादा दिलचस्पी ये थी कि आप मुलिद कैसे हुए ठीक तो मैं उसे बार बार इस तरफ़ ले आता था कि आप मुलद कैसे हुए क्या वो अवामिल बताओ जिनसे मुतासर हो कि आपने तो उसने गिने और वही तकरीब बिलुमूम हैं उनमें से एक बड़ा आमिल उसने ये था कि जब हमारे जहनों में सवाल उठते हैं यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर्स हैं लेक्चरर्स हैं सेक्लर लोग हैं दीन के बारे में अल्लाह के बारे में क़र के बारे में, में शुभहात उठाते हैं हम फिर अपने अपनी की तरफ रज़ू करते हैं इनकी तरफ से हमें कोई कान तसली बख्श जवाब नहीं मिलता ये बात को या सुनते ही नहीं हैं या गोल मोल कर देते हैं या फ़ौर ही फ़तवा लगा देते हैं कि तुम तो दीन से निकल के जा रहे हो तुम फला हो तो एक तो बड़ी यानी ये उन जवानों ने बताई ये बात की एक बड़ी वजह यह है कि हमारे उलमा इस मौजू की तरफ मुतव नहीं हैं दीन की तशरी उस तरह से करते हैं जिससे मजीद कन्फ्यूजन पैदा होती है यानी या तो शबहत के जवाब नहीं हैं इनके पास हम तारीख में देखें बड़े बड़े उलमा उस जमाने के उनका वाहिद काम ही यही होता था कि वो जो भी उनके जमाने का जवाब कैसे देना कोई भी है शुभह रखता है तो वो आकर उससे पूछे और जवाब देते थे और तसली करवाते थे वो उसकी आयमा अहलैत अलसलम के मुनाजरात हैं एक पूरी किताब है अलहतजाज के नाम से जो आयारनाजरत हैं उसमें ज्यादातर दहरियों के साथ हैं इबन अबिल उनके साथ हैं ये यानि वो लोग जिन्होंने बाकीों को आजिज़ किया हुआ था को ठीक जब अहलुलबैत के सामने आते थे लाजवाब हो जाते थे ये तो अहलुलबैत ने ये एक अहम शोबा रखा हुआ था जंदगा का शुबहत का जवाब वरना आप अपने लोगों को तो बचा नहीं सकते पहरा तो नहीं लगा सकते नहीं लगा कोई एक शुभ उनको मुतासर कर देता है कई अवामिल हैं इस इलाहाद के फरोग के जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है एक तो यह नफसियाती मसाइल है चूंकि हमारी कौम के अंदर एक नफसियाती मुश्किल ये है कि हम एक खुद बाख्ता कौम बन चुके हैं अपने आप से हकारत और अपने आप से नफरत है हमें यानी अपनी पहचान खो बैठे और नई पहचान मगरबी मगरबी पहचान बनाना चाहते हैं जो बन नहीं रही है हमसे आप देख लें आपकी तालीम आपका निसब आपका रहन सहन सारा वो अपनी पहचान खो के वो कब चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया वही हालत हमारी हो गई है यानी एक तो नफसियाती मसला है कि हमारा आज का जवान वो अगर दीन के बारे में शुबहत जाहिर करे तो ये समझा जाता है मॉडर्न जवान है ये <laughs> ये अपडेट जवान है जी ये जी अच्छा पढ़ा लिखा जवान है खुला वो से जेन खुले नजर नजर वसी, नजर वसी नजर। और अगर वो लगे कि मसदीन जवान है मोमिन जवान है दीन समझता है ईमान रखता है तो ये समझते हैं कि ये तो आज के जमाने का नहीं है ये एक मरतज़ किस्म का इंसान है बैकवर्ड किस्म का इंसान है यानी एक बड़ा आमिल नफसियाती है कोई इसके पीछे वाक शुभ या तालीम नहीं है नफस्यात ने उसको मुलहद बना दिया है एक बड़ा शुभा जो एक आमिल है वो हमारे तालीमी इधारों के अंदर जो फसाद वो है। तो पूरा इल्म इसकी बना सेकुलर इल्म तो है इस वक्त तीन चीज़ें लामा साहब आप उससे ज़्यादा मुझसे समझते हैं कि जिसकी वजह से ये सब कुछ हमारे यहाँ आ रहा है एक तो जो अंतशील फाहशत फहाशी और का एक सैलाब है जो कि बड़े अब इतनी ओपन हो चुका हुआ है एक जमाने में कहते हैं उनको साइकोलॉजी में लफ्ज़ है डिसेंसिटाइजेशन आप एक दफ़ा एक औरत से हाथ मिलाएंगे आपको करंट दौड़ेगा फिर आता आता आप दस से भी मिलाएँगे तब कुछ एहसास नहीं होगा आप छोटी सी उसके बाद बाजू दिखाएँगे आपको एक ताश पैदा होगा फिर उसके बाद बाजू पूरे का पूरा भी दिखाएंगे सब कुछ उन्नीस में उन्होंने पहले दफ़ा ये काम शुरू किया है और उसके बाद औरत सेंटर स्टेज पर आई है ये उसकी बुनियाद पर दूसरा जो है वो जो दुनियादारी की जो कैफियत है आप दीन के बारे में किसी शख्स से गुफगू करो तो वो यही आपको कहेगा कि आप दुनिया में कितने दलीलो रसुवा हो ये दीन इस्लाम ने कौन सी कामयाबी आख़रत का खाना बिल्कुल काटा हुआ है उससे इलाहाद आया हुआ है और तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि मुकम्मल तौर पर हमारा तलीमी निज़ाम इसके अंदर लीड लेनी थी उलमा ने सच्ची बात कोई और नहीं ले सकता हम कट गए सत्रह सौ इक्यासी में पहला दीनी मदरसा बनाया लॉर्ड विलियम बेंटन के बाद जो जा आया था कॉर्नबा वो जो भी था वो जो भी था उसने बनाया था कि यहाँ सिर्फ दीन पढ़ाया जाएगा तीन काम मौलवी करेगा वो पोप में पप देगा पैदा होते यहाँ आजान देगा पढ़ाएगा वो भी आई डू करवाएगा और फूनल पर जना यहाँ तक तुम रहो इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं ये इतना बड़ा सवाल है कि रात की नींद हराम करता है हकीकत है ये और ये चैलेंज है आज के उलमा के लिए आज के नस्ल के लिए और ये कर सकते हैं इनके पास ताकत है सिर्फ अपने आप को इमाम खुमे ये फरमाते थे ना ईरानियों को कि आपके ऊपर सबसे बड़ा जुल्म जो हुआ है जो शहनशाह ने और बाकियों ने किया है माँ नमी तवानी ये जो तुम्हारी जबानों पर चढ़ा दिया है ना कि हम तक से तक नहीं तक हो सकते हम नहीं कर सकते कमजोर लोग हैं हाँ ये तो उनका काम है गोरों का काम है ये हमारा काम ही नहीं है तो ये निकालो जैन से इस नारे को बदलो और ये कहो कि मामी तवानी हम कर सकते हैं और आज देखें उन्होंने करके दिखाया है हम भी यही चीज़ ये यह मायूसी निकालें अपने तलबा के जहनों से जो कल के उलमा हैं आज के उलमा को ज़्यादा आप नहीं कर सकते तो उनसे रख सकते चूँकि बन चुके हैं पुख्ता हो चुके हैं वो फ़िरके के अंदर रास्क हो चुके हैं और फ़िरका उनके अंदर रास् हो चुका है ज़ाहिर कर तो सकते हैं अपने, अपने अल्लाह उनको इरादा दे तो वो निकल सकते हैं उससे लेकिन बड़ा दुनिया का दुनिया का, का देखिए हमारी ट्रेडिशन जो थी वो मदरसे के ये जो तारे जो बुलेसना है ये जाबर बिन नयाम है ये उम्र खयाम है ये सारे बड़े बड़े उम्र खाम तो कितना बड़ा जबरा का आदमी था ये सारे को ऑक्सफोर्ड से भी पढ़े हुए थे ना कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे ना कोई मोलवी थे मोलवी थे सारे सारे उनकी उनकी तस्वीरें देखें उनकी पगड़ियाँ देखें उनकी दाड़ियाँ देखें उनके इल्म देखें और उनकी किताबें सारे पर सारे पर फिक पे भी हैं ये हमसे कैसे निकल गया सब कुछ असल यही वो चीज़ ये है मैंने ना ना ने जब पहले कहा इधर बस ये तीन काम करो यानी इसके पीछे भी वो पहली जो बात आपने शुरू की थी ना मैंने कहा था कि जो सेकुलरिज्म की बुनियादें मुसलमानों से शुरू हुई हैं मलोकियत मलोकियत ने रखी हैं मलोकियत ने ये काम किया है ये छांटी की है दीन अलग किया सियासत अलग की उलूम को अलग अलग करके बांट के फिर मौलवी को ये दे दिया कि ये उलूम आप पढ़ाते रहो आप जन्नत वाले बाकी तो वुलूम अच्छे नहीं हैं दुनिया हैं आप जाहद आदमी हो ये हमसे ये किया हमारे साथ ये अब राय हाल ये है कि जो कल की नस्ल है आने वाली नस्ल है जो आज के तलेब इलम है और कल उलमा हैं इनके लिए ये होना चाहिए हमने अमलन किया है ये काम यानी अपने महदूद सतह पर ये शुरू किया है ये से एक चराँग से चराँग और ज़ाहिर है फिर आगे भी हो सकता है एक जगह हो जाए एक काम दूसरी जगह भी हो सकता है ये और वो ये है कि हम उस इल्मी जामियत को वापस लेकर आएं। आपके उलूम दो तरह के हैं हमारे कदीमा भी तकसीम करते थे कि दो लूम हैं एक आपके पास ूम तबियात जिसको कहते थे नेचुरल साइंसेज हैं जिसे हम आज साइंस कहते हैं टेक्नोलॉजी जिसका नतीजा है और दूसरे आपके पास ह्यूमनिटीज़ हैं सोशल साइंस हैं सोसाइटी जिसका नतीजा है अब अमली तौर तो पर तो जहर है तो रखते हैं ना नाशरा है समाज है हमारा और बिगड़ा हुआ समाज है हम अम, हमारी हमारी जो इन्वेस्टमेंट है सारी हम अपने बच्चे अपनी तो अपना वक्त अपना पैसा अपने इदारे सब बनाते हैं नेचुरल साइंस के लिए ये नेचुरल साइंस हमें साइंटिस्ट बना के नहीं देती ये लेबर बना के दे रहे हैं सरमा ही चाहिए वो लेबर बना रहे हैं लेकिन जो चीज जिसकी वजह से हम सुलझेंगे सुधरेंगे वो आपकी सोशल साइंसेज हैं सोशल साइंसेज है। को आपने इस तरह से इस मुल्क से निकाला पूरी दुनिया से निकल गया पूरी दुनिया से, दुनिया से निकल लेकिन मगरबियों ने नहीं निकाला आज भी अगर उनके टॉप क्लास लोग देखें तो वो उनके सोशल साइंटिस्ट है ठीक। उनके सोशोलॉजी के जो एक्सपर्ट है उनके फलसा इकोनॉमिक तो उन्होंने बुनियादी उन्हीं की हद हुई है आज वही थ्योरिशन है उनके लेकिन हमने ये गलती की है मसल पाकिस्तान में जो मुझे मैं बुनियादी तौर पर फलसफा कालब इलम रहा हूँ तो जब देखता हूँ ना मुल्क की हालत तो मुझे बहुत अफसोस होता है ठीक अगरचे हमने एक मदरसा बनाया सारा मैं कहता भी हूँ अपने तलब इलमों को अगर मुझे अपने हाल पर छोड़ दिया जाए और बाकी फ़राज़ वाजबात सारे इनको मैं नज़रअंदाज कर दूँ नौजुबिल्ला तो फिर मैं तो यही काम करूंगा कि फ़कत फलसफा तालीम दूँ अगर फलसफा उठ गया है ना आपकी तालीमी निज़ाम से खोखला हो गया है खोखला आपके पास कुछ भी नहीं है ना नेचुरल साइंसिस की बुनियाद है ना सोशल साइंसिस की बुनियाद है आपकी सोसाइटी खोखली है और फिर उससे जो मुतसिल दूसरी चीज़ें हैं वो अगर नहीं आती आपके नहीं। अब हम इस नई नस्ल को कम अज़ कम लाएं इस राह के ऊपर आप देखें आखिरी साइंटिस्ट सोशल साइंटिस्ट आपके पास इबनि खलदून है और कितना अरसा गुजर गया है स्पेन को स्पेन भी तो लेकिन दूसरों ने उससे सीखा लिया और उससे उन्होंने लेके आज अपनी सोसाइटियां डिजाइन करके बना पूरा किताबें अपने आबा की जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है कि ये, ये हो सकता है मेरे साथ है।, है कि ये अगर आज जिन लोगों के पास ये हैं ग्राउंड है ये करें ये हिम्मत करें आज़म करें तो हो सकता है और अल्लाह इनको तोफ़ी देगा और हम पलटेंगे एक दफ़ा फिर उस तरफ आखिरी सवाल चूँकि आपसे जो मुलाकात हो रही है वक्त उम्मत मुसलमा पे एक ऐसी कैफियत है कि गज़ा के अंदर शहादतें हो रही हैं और ये मैंने पहले मैंने दुख से बात कर रहा हूँ ये पहली दफ़ा ये है कि पूरी उम्मत में दो तबकात वाज़े हो गए एक हुक्मरान और एक आवाम हुक्मरान लिप सर्विस करते हैं आवाम का दिल धड़कता है उसके साथ एक और तकलीफ से बात यह हुई है कि हमेशा कभी होता था तो हमारे मसाजद से आवाज़ बुलंद होती थी हमारे उलमा में एक तकलीफ की सूरत हाल पेश होती थी वो भी इतनी तबी तबी और घुटी घुटी आवाज़ें हैं कि शायद हम वहाँ मदद करेंगे तो पता नहीं क्या कौन सरफराज हो जाएगा और क्या ये ऐसा अलमिया है साहब कि इसकी मुझे तो कोई इंतहा नज़र नहीं आती मुझे तो वो शायद आखिर समान वाली वूरत हाल पेश आ रही है मैंने एक साहब से पूछा था मैंने कहा मुझे बताओ कॉमिटी ऑफ नेशन पता नहीं क्या बात करते शि आलम से पूछा मैंने कहा मुझे बताया माँ मेहदी जब आएंगे तो उनकी हुकूमत अवाम मतदा के मेम्बर होगी या तुम्हारे यहाँ जो सुनियोग अगर इमाम मेहदी आएंगे तो क्या वो भी जाकर तो आई एम एफ के पास जाया करेगी ये वो ये शोर नहीं है हमारे यहाँ और ना कुछ देता है ये अलमिया जो है इसका सवाय मातम के मातम तो अपनी जगह है ही है लेकिन हम बयान नहीं करते बिल्कुल ऐसे ही है मैं सवाल भी मैं नहीं, नहीं कर सकता एक हूं, बड़ी एक बड़ी गिरावट है इंसानियत की यानी असल अब मुसलमानों को ये अगर देखें ना तो सबसे पहली चीज़ जो ये खो बैठे हैं वो इंसानियत खो बैठे हैं और इस्लाम खो बैठे हैं अपनी मुसलमान खो बैठे हैं हर तबका है इसमें अब इसतना नहीं है ठीक हर तबका खो बैठा है और ये बहुत बड़ी गिरावट है जुमे के खुतबा में भी मैंने तकवा जो कुरान करीम का फरमाना है कि तकवा हम उमूमा तशरी करते हैं तकवा अल्लाह से डरो या परहेज लेकिन कर्न तो तकवा को हिफाजत कहता है कि अपनी हिफाजती एक तदबीर है अल्लाह की तकवा एक हिफाजती तदबीर है जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो महफूज करता है तकवा इंसानियत है आपकी ठीक, और जब तकवा ना हो तो इंसानियत ही ख़त्म हो जाती है और आज हो चुकी है और इस पर सारे गवाही दे रहे हैं अकवा मुत के जनरल सेक्रटरी ने कहा कि इंसानियत ख़त्म हो गई है और अब मीडिया पे देखें तो हर तबका यही कह रहा है कि इंसानियत ख़त्म हो गई है और हकीकता ख़त्म हो गई है उसमें मुबालगा नहीं है इंसानियत ख़त्म हो गई है इस वक्त जो सूरत हाल है अलमिया है वो ज़ाहिर है ये गिरावट जो आई है तदरीजन आई है पहले तो ऐसे नहीं थी नहीं, कल नहीं तक, तक तो ऐसा नहीं था कल पाकिस्तान कल तक तो पाकिस्तानी सारी दुनिया के लिए जान देने के लिए तैयार था हमारा एजाज समझा जाता था ये और यही हमें कहा जाता था कि जहां भी पागल होते उठ के शुरू हो जाते हो दुख कहीं है किसी का है मसला किसी का है किसी पे तड़पते हैं हम, हम, अमीर। हम अमीर तो ये आज क्या हो गया है पाकिस्तान को ये वाकई बहुत बड़ा अलमिया है कि ये नस्ल किस गिरावट में जा पड़ी है कि इसको कोई दुख नहीं हो रहा कोई कोई अक्सलमल नहीं है कुछ इंसानियत के नाते पर भी इन्हें कोई शर्म नहीं आ रही बेशर्मी की हद तक है ये ज़ाहिर है जब ऐसी सूरत हाल होती है तो जैसे मैंने पहले भी मिसाल दी कि सैदुदा ने इमाम हुसैन आलाम ने ये बेहसी लोगों की इसकी परवाह नहीं की इमाम के ख़ानदान के लोग इमाम के साथ नहीं थे, थे बिल्कुल रोक रहे थे रोक रहे थे हमदर्दी के तौर पर रोक रहे थे हर बंदे का अपना बड़े बड़े शख्सियात बुजुर्गान दूसरे सिलसिलों के सारे रोक रहे थे और इमाम इबन आसम कोफ़ी ने लिखा है अपनी किताब में तारीख़ में कि इमाम के साथ बयासी अफराद मदीना से गए थे ख़ानदान के औरतें बच्चे छोटे बड़े सब मिला के चार महीने मक् में इमाम ने क्या क्याम किया तो वही बयासी अफराद ही गए एक बंदा इजाफा नहीं हुआ, नहीं हुआ। और फिर वो कोफ़ी जो थे उनका तो किरदार सब पर वाज है नहीं नहीं कि उन्होंने क्या किया लेकिन इमाम आलाम ने इसमें से किसी चीज़ की परवाह नहीं की कि अगर ये नहीं उठते ये नहीं आते साथ तो मुझसे तो साकेत नहीं हो जाता फरीजा मेरा तो अपनी जगह फरीजा कम है और उन्होंने किया और फिर इस तरह से किया कि आज वो नाम है कि अगर इस वक्त यह गिरावट है कोई नहीं बोलता उठो, कोई एक तो, तो कोई तो उठे तो ना उठे जिसको अल्लाह ने तोफी दी वो उठे और वो आवाज़ बुलंद करे और वह आवाज ज़ाहिर मुमकिन उसको भी दे नुसरत देगा बिल्कुल होगा और इस वक्त जो सूरत हाल है गजा की फलस्तान की इस पर खामोश रहना जुर्म है और इसमें यू नहीं की मजम्मत की जाए जैसा कि एक वो जो सुरह निसा के आयत है वो तो पुकार पुकार केह रहे हैं पुकार पुकार के कह रहे हैं रबर न आखरज निन करियत आहलोहा और हमारे लिए अपनी जनाब से वली और अपनी जनाब से नसीर जो उनकी करना। जो उनकी मदद करेगा वो अल्लाह का वली है अल्लाह का वली है वो नसीर है वो अनसार में से है वो तो इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है उनको वो चीज़ उन तक पहुंचाएं आप उन्होंने कयाम किया है वो पचहत्तर साल से उस क़ैद में महबूस हैं और उन्हें अपनी जिंदगी हमसे ज्यादा अजीज़ है वो गजा के मजलूमों में से किसी औरत ने आपको पैगाम भेजा है कि हमें यहाँ से निकाल के पाकिस्तान ले जाओ अमन की जगह इस्लामाबाद में कोई कोठी बंगला दे तो वो नहीं मांगते आपसे कुछ भी नहीं मांगते आपसे आपसे मदद जो मांगते हैं वो जो अल्लाह ने आपके ज़िम्मा किया इस वक्त उनकी अफराधी मदद करो उनकी सियासी मदद करो उनकी तस्लहती मदद करो उनके लिए जो कुछ इस वक्त आपके पास मुमकिन है वदतावा वो सारी ताकत इकट्ठी करके उन अजीजों के इख्तियार में करार दो ताकि वो अपनी सरजमीन इन धलमों से अदा कर ये जो इस वक्त एक शुबहत की फ़जा भी है चूँकि मीडिया जी है जी और हर आलूदगी है मीडिया में बहुत ज़्यादा इस मौजू पर भी आलूगी है कि फ़िलिस्तीनियों, हमास को जब पता था कि वो इतना वैशी है तो क्यों उसके खिलाफ फिर उठे और क्यों ये खैर उसके ऊपर तो बहुत लंबी गुफ्तु यानी दो हज़ार आठ से उनके लोग शहीद होते चले आ रहे हैं कौन, है? कौन जब वो आराम से बैठे थे तो भी मरे हैं है। और जब वो मेरी बात एक... है कि उन्होंने एक ताकतवर डोम को वहाँ पर वारन डोम उनका उनको तोड़ा है ये उन्होंने उनके साथ होना ही था ये तो बात तय है लेकिन बहरहाल ये इस वक्त तो यानी ये खुसूस मुसलमानों को उलमा इस्लाम का ये फरीजा है बहुत बड़ा फरीजा कुरान इनको फतवा दे रहा है अगरचे

और वो शाह ने भी साइन करके और तो सैयद जमालुद्दीन अफ़ग़ानी रहमत लाला उनको ख़बर हुई कि ये ईरान के साथ भी यफाक रनम हो गया है तो वो फ़ौर ईरान पहुँचे और वहाँ जाकर अपनी रवश के तहत उन्होंने अकाबरीन कोलमा को बुज़ुर्गों को, को, को सबको मतवज किया कि ये गलत हो रहा है कब्ज़ा हिंदुस्तान बनने जा रहे हो तुम वो चूँकि हुकूमत से वाबस्ता थे उनमा ने बहुत तशद किया सैद पर बड़ी मुश्किल से मजरू जिसम के साथ जान बचा के ईरान से निकले वो बाहर और फिर इराक गए और इराक़ में जाकर उस वक्त के जो शिया मुफ्ती आज़म मुश्त आज़म थे मिर्ज़ा शराजी उनको जाकर बताया कि अब वक्त है मुल्क बचाने का क्योंकि वो ईरानी थे शराजी थे, जी, जी. थे कि इस शीराज. वक्त आप बचा सकते हो तो उन्होंने कहा मैं कैसे बचाऊँ तो कहा फतवा दो तम्बाकू की हरमत का और उन्होंने अब जर कुरान में तम्बाकू हराम नहीं है सुन्नत में हराम नहीं है लेकिन मिर्जा शिराजी ने मुल्क बचाने के लिए कहा तम्बाकू की काश्त तम्बाकू की तजारत तम्बाकू का इस्तेमाल हराम है और इसी फतवा से ईरान बच गया मुस्तमरा नहीं बना दूसरा फतवा जो माजी करीब में सिस्तानी ने दिया जब दाइश ने आके कब्जा कर लिया भी भी उनकी तरफ से था। और उधर से फिर दिन गिने जा रहे थे कि अब इतने दिनों बाद मुकम्मल तौर पर सफ़ाया हो जाएगा और सारे मशवरा दे रहे थे इन मुस्तिन को कोई कह रहे थे आप यूरोप आ जाए कोई कहते थे आप पाकिस्तान आ जाए ईरान आ जाएँ चूँकि इराक पर तो दाइश का कब्ज़ा है तो एक फ़तवे ने इराक बचा लिया है आज भी ये फतवा फैसला कौन हो सकता है अब देने को, वाला कोई हो देने वाला, हो, हो कोई लेकिन मैं ये अर्ज करूंगा कि ये तो ओलमा के फतवे का इंतजार है अल्लाह का फतवा तो आया हुआ है कुरान में हर, हर कोई हर कोई कुरान पढ़ता है बिल्कुल है अली अलैहिस्सलाम के ज़माने में मिस्र की सरहद पर एक शामी दस्ते ने हमला करके एक यहूदी औरत की पाजेब निकाल ली नहजुल बलागा में खुतबा है अमीरमिन ने खूफियों को जमा करके अपने लश्कर को कहा कि मुझे इतला मिली है कि मिस्र की सरहद पर एक चौकी पर हमला करके उन्होंने यहूदी औरत के पाँव से पाजेब निकाल ली जिम्मी जो थी जिम्मी जो थी तो ऐसे मौके पर अगर कोई गैरत से मर जाए तो मैं उसको मलामत नहीं करूँगा यानी मर जाने का मकाम है हमारे लिए कि एक हमारी कलम रो में एक यहूदी औरत गैर महफूज हो गई है और वो ले गए उससे तो ज़हर है ये हमारे लिए मर जाने का मकाम है इस वक्त कि किस बेशर्मी के साथ अमेरिका आता है बरतानिया आता है दूसरे आते हैं आकर उनसे भी करते हैं गुस्तु भी करते हैं इब्राहिम अकॉर्ड की बातें भी करते नैतिन यहू से गले मिल के सीधे बिन सलमान से जा गले भी मिलते हैं वहाँ चले जाते हैं जहर ये सारे उनके साथ हैं ये मिले हुए हैं कल तक ईरान के इसराइल की दोस्ती के लिए इसराइली नैतिन यू ने अकवा मतहदा में कहा था कि आठ इस्लामी मुल्क दोस्ती करने वाले हैं बस हफ्ते बाद लेकिन हमास ने सब कुछ उड़ा कर ने तो जे तो सहूनियों से ज्यादा हमास, हमास के दुश्मन है ये तो चाहते हैं मिस्र में इजलास हुआ इनका इन्होंने मजीद उसको सिग्नल दिया जी जी। कि इसको खत्म करो हमास अगर हुआ तो हम हम सारे महफूज नहीं है लेकिन हमास ने जो करके दिखा दिया है ना वो एक अलामत है कि अल्लाह ने इनशाला अल्ला इन देनी देनी है, और, और खुदा इन बाकी मुसलमानों को शुरू कि आमीन, वो भी जो मुमकिन है गजा कर बला है और हमास का रोल जो है वो लश्कर इमे हुसैन वाला है इस वक्त और बाकी पौरा आलम इस्लाम कोफ़ा बना हुआ है बिल्कुल ठीक इस कोफा को जिल्लत ख़त्म करनी चाहिए ये नंग ख़त्म करनी चाहिए और अपने भाइयों के साथ बहनों के साथ खड़ा होना चाहिए बिलमाल व हिम माल और नफ्स के साथ उनके साथ खड़े होकर उनका दिफा करेंगे बहुत बहुत इनायत बहुत बहुत शुक्रिया इनतहाई ख़ूबसूरत गुफगुपी नाजेन मैं जब जहाँ आया था तो आपके लिए एक हैरान कन बात कि इस मदरसे से इस जगह पे मैंने इशा की अजान सुनी और मैं उनसे कह रहा था कि यहाँ पांच नमाजें उनकी होती हैं सुन्नी मसलक में भी जमा बैन असलातन मौजूद है क्या सिर्फ मोहब्बत के खातर हम तीन नमाज़ें किसी की एक जगह कर सकते हैं अगरचे नमाजें सब के यहाँ पांच ही हैं लेकिन क्या हम दूरी ख़त्म कर सकते हैं उम्मत पर जो उसाद टूट रही है और जो कैफियत बन रही है हम इस वक्त तमाशा बने हुए हैं हमारी हालत एक सत्तावन मुल्कों की डेढ़ अरब के कोफा की है इकबाल ने कहा था तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे हक तुरे मेरी तरह साहिब कहे करे है वही तेरे ज़माने का इमाम पर हक तो चुदे हाज़िर मौजूद से बेजार करे और फितनाए मिलत पैज़ा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का प्रस्तार करे इजाजत जी अल्लाने के बाद